नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के इंतजामों पर सख्ती बरत रही है। इस सिलसिले में राज्य शासन को ब्यौरा पेश करने के लिए 22 सितंबर तक का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नगर नागरत ने राज्य शासन द्वारा पूर्व निर्देश के पालन में ब्यौरा पेश न किए जाने पर एतराज जाहिर किया। इस पर राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने ब्यौरा पेश करने के लिए समय दिए जाने पर बल दिया। कोर्ट ने निवेदन मंजूर कर ली। उल्लेखनीय है कि विगत सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के संबंध में जानकारी तलब की थी। राज्य की ओर से निर्धारित समय सीमा में सीटी स्कैन मशीन व ऑक्सीजन प्लांट आदि लगाने को लेकर अंडरटेकिंग दी गई थी। राज्य के जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर कोर्ट ने 6 सितंबर तक समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। स्थान पर समय ले लिया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।